हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपना और अपने गार्डन का अच्छे से ध्यान रखे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है मेरी नर्सरी विजिट पे, जो मैं आज आपके लिए संडे के रोज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये जयपुर की नर्सरी है MG रोड पर, और ये इसका एंट्रेंस है, और इस साइड में इन्होंने सारे ये फाइकस के प्लांट रखे हैं, जिसमें छोटे वाले फाइकस भी हैं और जो बड़े वाले आते हैं वो भी है, और एक पांडा वैरायटी होती है, पांडा वैरायटी भी इसमें है, और ये स्नो बुश है। फ्रेंड्स, ये प्लांट्स और नर्सरी ये इतनी बड़ी है कि मैंने छोटी सी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है, उसके बावजूद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। और दोस्तों, पूरी नर्सरी जिस तरीके से अंदर से एकदम से जंगल टाइप की हो गई है बारिश की वजह से। इन दिनों जयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए मैं थोड़ा बस बाहर बाहर से ही वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा अंदर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ये नर्सरी बहुत बड़ी है और आपको यहाँ पर हर तरह का और हर वैरायटी का इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट्स, हैंगिंग बास्केट्स प्लांट्स, हर कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, ये इनके यहाँ ये जो हम अपने मतलब हैच लगाते हैं उसके प्लांट्स भी बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, और बोगनविलिया की बहुत सारी वैरायटी हैं यहाँ पर, ग्राफ्टेड भी हैं। एक ही प्लांट पे आपको कई सारे कलर्स के फूल भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, इधर ये देखिए, ये टिकोमा वगैरह रखे हुए हैं। इनके पास हर तरह की वाइन, हर तरह का प्लांट मिल जाएगा, छोटे से आप छोटा साइज़ पॉलीबैग से लेके बड़े पोट तक में आपको आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों, इन सब के मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम देखे हैं, जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं कोई गलत नाम नहीं लेना चाहती जब मुझे पता नहीं। ये मधुमालती के प्लांट हैं, जो मधुमालती की वाइन होती है, बेल होती है काफ़ी, जिसे झुमका बेल भी कहते हैं, ये सारे वो प्लांट्स रखे हैं। दोस्तों, इनके यहाँ जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। अगर वो छोटा प्लांट है तो वो 100 का है, और अगर बड़ा है तो 200 का है, और अगर ग्राफ्टेड है, जैसे बोगनविलिया के 5-6 कलर एक ही प्लांट में आपको मिलेंगे, तो वो थोड़े से और महंगे हैं। और इनके यहाँ फ्रेंड्स बोनसाई भी बहुत अच्छे हैं, और जो लोग बोनसाई लवर होते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे प्लांट अवेलेबल हैं। जो जयपुर में रहते हैं वो यहाँ आकर प्लांट परचेस कर सकते हैं, और आप लोग घर पर बैठ कर हमारी जयपुर की नर्सरी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, इनके यहाँ फ्रूटिंग प्लांट्स भी हैं, बड़े बड़े अशोका के प्लांट्स जो होते हैं, और हर तरीके का प्लांट है। ये इमली का बोनसाई है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये पीपल का है, ऐसा लग रहा है छोटा सा ट्री हो, और ये बोनसाई पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए, जामुन का भी बोनसाई है, अरे ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसमें दो कलर के लीव्स आई हुई थी, पिंक सी और ग्रीन सी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आई थिंक कि ये जामुन का है, मुझे ये जामुन का लग रहा था, ये भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। और देखिए, साइप्रस है, जूनीपर हैं, और ये फाइकस हैं, पीछे ड्रेसिना रखा है, और मोरपंखी भी इनके यहाँ हर तरह की वैरायटी है, देसी वाली भी और दूसरी वाली भी, और स्टार फाइकस हैं। देखते रहिए दोस्तों। और ये वाले प्लांट्स मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे थे, जब ये साथ रखे हुए थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे इनका कलर। और एक ये रखा हुआ था प्लांट, ये मोबाइल में फ़ोन में मेरे इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसकी पर्पल कलर की लीव्स थी। और ये ड्रेसिना है, इनके कलर बहुत ही प्यारे लग रहे थे जब ये मिक्स एंड मैच होकर रखे हुए थे ना, दूर से कितना अच्छा लुक दे रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ खिल रहे हों।
तो फ्रेंड जिनके यहाँ धूप नहीं आती है वो इस टाइप के प्लांट्स ले सकते हैं, तो ये फूलों की कमी को भी पूरा कर देते हैं। जिनके यहाँ कम धूप आती है, जिनके धूप नहीं आती, वो आराम से इन प्लांट्स को अपने गार्डन में या बालकनी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए कितने सारे प्लांट्स हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़ा सा अंदर का व्यू भी दिखाती हूँ कि अंदर इनके यहाँ किस टाइप के प्लांट्स रखे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इनके यहाँ हर तरीके का प्लांट मिल जाता है। चलिए तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे क्रोटोन के कलर रखे हुए हैं, और ये कोई बड़े वाले जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, वो भी इनके यहाँ रखे हुए हैं। उधर सब ये क्रोटोन और फाइकस रखा हुआ है। ये बड़ा सा बेनियन ट्री लग रहा है, और ये फिर से क्रोटोन आ गए हैं। और इनके यहाँ कोकोनट प्लांट भी हैं, ये सब नारियल के प्लांट हैं। और इधर ये पान के पौधे रखे हुए हैं, जो देसी पान होता है, बेटल लीफ जिसे कहते हैं, ये सब वही रखे हुए हैं। और ये सब अंदर जो रखे हुए हैं, इनके फ्रूटिंग प्लांट्स रखे हुए हैं, लेमन के, गवावा, ऑरेंज, और सारे ही ग्राफ्टेड होते हैं फ्रेंड्स। आपको ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड सारे ही फ्रूटिंग प्लांट्स इनके यहाँ मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा वाला पान का पत्ता है, पान जो मैंने प्लांट लिया था वो इन्हीं के यहाँ से लिया था। और ये देखिए ये पूरा इतना बड़ा है, इसका रेट उन्होंने मुझे 1100 रुपये बताया था। ये काफ़ी बड़ा स्टेबल प्लांट है। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे जो है प्लांट्स अच्छे मिल जाते हैं, बिल्कुल ग्रोथ हुए हुए, कि बस आप अपने घर जाके पॉट में लगा लीजिए या फिर उसी पॉट में रहने दीजिए। कुछ 1-2 साल तो आराम से उसी पॉट में चल जाता है। बस थोड़ा सा क्या होता है, मिट्टी का इशू होता है, कि जैसे कहीं से मिट्टी पूना से या कलकत्ता से आती है, तो थोड़ी सी मिट्टी रेड वाली होती है, चिपकी हुई होती है, इसलिए मुझे उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। वरना तो प्लांट एकदम हेल्दी होते हैं, आराम से ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए गोल्डन वाला मनी प्लांट है फ्रेंड्स, इसके लीव्स थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठीक होगा सारे प्लांट भी अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। ये ग्रीन वाला ड्रेसिना है, और एक के ये वाला प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मनी प्लांट से अलग लीव्स है इसका। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फाइलोडेंड्रोन कुछ ऐसे ही नाम होता है इसका। और ये क्रोटोन है, और ये देख लीजिए ये एरोकेरिया है, जिसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। उसके ये छोटे छोटे प्लांट हैं, काफ़ी सारे हैं, और छोटे प्लांट ये 100 के देते हैं, और जो बड़े प्लांट होते हैं 250-350 रुपये तक के होते हैं। और ये देखिए इस साइड में ये पान का काफ़ी बड़ा प्लांट है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इधर साइकस रखे हैं, ये छोटे वाले साइकस हैं। और इनके यहाँ पाम की वैरायटी जो है बहुत सारी है, हर तरीके का पाम, हर तरीके की वैरायटी इनके यहाँ पर है। आप अपने गार्डन में इन बड़े बड़े प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा तो छोटा सा टेरेस गार्डन है, वहाँ मैं इतने बड़े बड़े प्लांट नहीं लगा सकती, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने वो पूरा कवर करा रखा है बंदरों के डर की वजह से। वरना मेरा बहुत मन करता है कि मेरा अपना ग्राउंड फ्लोर का गार्डन हो और मैं ये सारे प्लांट लगाऊं। पर दोस्तों जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मुझे अपने टेरेस गार्डन से बहुत प्यार है। और फिर भी मेरे टेरेस गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट्स आ जाते हैं जो मेरी पसंद के हैं, और जैसे कोई प्लांट ख़त्म होता है फिर मैं नया प्लांट ला के लगा देती हूँ। तो मेरा जो शौक़ है गार्डनिंग का वो आराम से पूरा हो रहा है। तो दोस्तों इनके यहाँ इस टाइप के प्लांट भी हैं, अगर आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप आराम से अपनी बालकनी में हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगा सकते हैं। और दोस्तों 15 दिन के बाद, यानी 16 तारीख में ही बता रहे थे, 16 के बाद इनके यहाँ सर्दियों की भी सीडलिंग वगैरह आ जाएगी, छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे, वो भी इनके यहाँ 15 दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब मैं इनके यहाँ से पिटूनिया वगैरह लेकर जाऊँगी,
और कुछ तो मैं सीड से लगाऊंगी फ्रेंड्स, और कुछ मैं सीडलिंग भी खरीदूंगी, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि बस अपना गार्डन फूलों से भर जाए, जहाँ भी हो फूल ही फूलों, क्योंकि इस टाइम तो फूलों का शौक़ गर्मी में इतना अच्छा सा हमारा पूरा नहीं हो पाता है, पर सर्दियों में वो शौक़ हमारा पूरा हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ सीड से लगाऊंगी और कुछ इनके यहाँ से लेकर जाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और एक अच्छा सा लुक, एक खूबसूरत सा लुक मिल रहा है। ये गार्डेनिया का प्लांट है फ्रेंड, और देखो इस पे बर्ड्स भी आ रही हैं। गार्डेनिया इनके पास बहुत सारे प्लांट है, और फ्रेंड्स इनके यहाँ जो है रोज़ कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, हर तरह का, हर कलर का, और खुशबू वाले इंग्लिश रोज़, देसी रोज़, कश्मीरी रोज़ सब इनके यहाँ मिल जाते हैं। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक सारे ये गार्डेनिया रखे हुए हैं, और मोगरा भी है इसमें, आगे की साइड में बहुत सारा मोगरा लगा हुआ है। और ये क्रोटोन है, ये भी क्रोटोन की ही एक वैरायटी है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, और ये सब, ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत सॉफ्ट सी लीफ थी इसकी, और कलर ऊपर से हल्का सा पिंकिश था और नीचे ग्रीन, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये देखिए ये पेंटास रखे हुए हैं, और ये फिर से ड्रेसिना है, जूनिपर है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये इधर रात की रानी, और पीछे ये सारे बड़े बड़े प्लांट्स रखे हुए हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स रखे हुए हैं। और ये गार्डन वगैरह में जो प्लांट लगाते हैं ना बड़े बड़े, वो भी इसमें हैं। सड़कों पे जो प्लांट्स लगते हैं रोड साइड पर, वो भी प्लांट इनके अवेलेबल हैं। ये लिकोफाइलम का प्लांट है, जिसे टेक्सास रेंजर कहते हैं, और इसमें जब बारिश होती है पर्पल कलर के फूल आते हैं। ये प्लांट भी मेरे पास है दोस्तों, इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है। और यहाँ पर ये ड्रॉप वाला एक्जोरा रखा है, जो वीड्स हैं बहुत ज़्यादा आ गई हैं, इस वजह से ये अच्छे से क्लियर से दिख नहीं रहा है। दोस्तों इनके यहाँ जो प्लांट्स हैं, यहाँ जयपुर में जो छोटी मोटी नर्सरी हैं, उनको ये लोग, मतलब इनके यहाँ से वो लोग लेके जाते हैं। ये देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है कि पूरा जैसे ज़मीन में लगाने वाले होते हैं ना बड़े बड़े प्लांट, वो हेल्दी प्लांट, बिल्कुल एकदम हेल्दी प्लांट था वो, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी आ रहे थे। दोस्तों देखिए ये है इनका रोज़ कलेक्शन, अभी तो इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन अब जैसे ये इस पर फंजीसाइड वगैरह और रोगर स्प्रे वगैरह करेंगे, उसके बाद इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फिर ये अक्टूबर नवम्बर में इसको सेल करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये अनार के प्लांट है, और देखिए दूर दूर तक प्लांट ही प्लांट है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है फ्रेंड्स। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो इस नर्सरी पर ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि आपकी चॉइस का, आपकी मतलब जो आप चाहते हो, जो आपको कहीं नहीं मिल पाता है, तो वो प्लांट आई होप यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कहीं नहीं मिलते, वो मुझे यहाँ मिल जाते हैं, और मैं इन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ तो ये मुझे बता भी देते हैं कितने का है और मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। और ये सब चंपा के प्लांट रखे हैं, ये छोटे छोटे हिबिस्कस के प्लांट है गुलड़ के। और अब आज थोड़ा सा देखते हैं अंदर, थोड़ा सा ये यहाँ पर चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे इनके बड़े बड़े प्लांट्स रखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनके आम के हर तरीके का प्लांट मिल जाता है। और ये मधुमालती, देखिए फ्लावरिंग भी शुरू कर दी है मधुमालती ने, इन्होंने बड़े से पॉली बैग में इनको लगा रखा है। ये कोई भी ऐसा प्लांट इसमें ऐसा नहीं है कि जो पॉट में लगा हुआ हो, सारे ही सारे ये पॉली बैग्स में लगे हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ये करी पत्ते के प्लांट्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, जो जयपुर में बारिश हुई थी उनसे नर्सरी वालों का, बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी हरियाली हरियाली हो गई है जयपुर में बारिश की वजह से, बस फ्लूड आने से रह गया है, फ्लूड आने का ऐसा लग रहा था चांसेस बन ही गए थे, लेकिन कई जगह पर तो खैर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
ये इन्होंने देखिए सेंटर पीस बना रखा है। यहाँ जब सर्दी आ जाएंगी तो ये फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाते हैं, पिटूनिया वगैरह, तो ये बहुत सुंदर व्यू देता है। देखिए दोस्तों, ये एलमेंडा का कलर है, पिंक कलर का एलमेंडा भी आ रहा है इसमें। ये इनकी पूरी नर्सरी का व्यू है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है दोस्तों। और अगर मैं अंदर जाकर आपको दिखाती तो मेरी वीडियो आधे घंटे से भी ज़्यादा की हो जाती, और थोड़े थोड़े में भी ये काफ़ी बड़ी हो गई है फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं और सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगा, टॉपरी कह रहे थे वो इसको, लेकिन प्लांट बहुत ही सुंदर था। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय दोस्तों।